Hello, good morning friends, how are you? I hope all you are just safe. तो friends, आज हम कुछ नया देखते हैं. सबसे पहले जो हमने अभी तक किया है फिजिक्स में उसका रिवाइज कर लेते हैं. हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने दो चीज देखी थी. कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइवेबल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी मूलभूत भौतिक राशि. तो फरी एक વખત ફ્રેન્ડ્સ ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ. મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ એટલે શું? કે જે કોઈની પણ ઉપર આધારિત નથી એને આપણે શું કહીશું? મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ. ફંડામેન્ટલ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી કિસકો બોલેંગે ફ્રેન્ડ્સ? જો કિસી કે ભી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નહીં હે, રાઈટ? લાઈક અવર પેરેન્ટ્સ. ઓર ડિરાઇવેબલ ફ્રેન્ડ્સ કિસકો બોલેંગે? જો દૂસરે કે ઉપર ડિપેન્ડેબલ હે, જૈસે હમ લોગ, રાઈટ? સાધિત ભૌતિક રાશિ એટલે જે બીજા પર આધારિત હોય. અને એક શોર્ટ લેંગ્વેજમાં તમને કહું, સાધિત ભૌતિક રાશિને ઓળખવી હોય તો શું? કે જેની જેની ફોર્મ્યુલા આવતી હોય ને, લાઈક સ્પીડ છે બરાબર, ઝડપ, અંતરના છેદમાં સમય, તો એ સૂત્ર આવ્યું, તો એ બધી કેવી હશે? આધારિત, એટલે કે સાધિત ભૌતિક રાશિ. તો ફટાફટ સે 14 કોણ કોણ સી અમને ડિરાઇવેબલ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી દેખી હતી ઓર ઉસકે એસઆઈ યુનિટ. તો એરિયા, ક્ષેત્રફળ, ઉસકા યુનિટ થા મીટર સ્ક્વેર. ફિર થા વોલ્યુમ, કદ, ઉસકા યુનિટ ક્યા થા? મીટર ક્યુબ. फिर था स्पीड, जड़प, उसका यूनिट क्या था फ्रेंड्स? मीटर पर सेकंड. फिर उसका उसके बाद वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी का यूनिट क्या था फ्रेंड्स? मीटर पर सेकंड. अगेन स्पीड और वेलोसिटी दोनों के यूनिट सेम है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, राइट? उसके बाद हमने क्या देखा था? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. फिर मैंने क्या बोला था? મોમેન્ટમ ઓર ડેન્સિટી, ડેન્સિટી યાની માસ અપોન વોલ્યુમ, ઘનતા એટલે દળના છેદમાં કદ. તો દળનો એસઆઈ એકમ શું છે? કિલોગ્રામ. અને કદનો શું છે? મીટર ક્યુબ. માસ અપોન વોલ્યુમ, તો માસ કા એસઆઈ યુનિટ ક્યા હે ફ્રેન્ડ? કેજી. ડિવાઇડેડ બાય વોલ્યુમ ક્યા હે? મીટર ક્યુબ. તો ડેન્સિટી કા એસઆઈ યુનિટ ક્યા હોગા? તો બોલો કે આપ, કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. સિમ્પલ, રાઈટ? વૈસે હી મોમેન્ટમ, તો ક્યા ફોર્મ્યુલા થી ફ્રેન્ડ્સ? માસ ઇનટુ વેલોસિટી. તો માસ કા ક્યા થા? केजी. और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. तो बोले तो यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम इनटू इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन, राइट? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड. पांच फिजिकल क्वांटिटी जो किसके नाम पर थी? साइंटिस्ट के नाम पर थी. पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल, उसका ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल. दबाण एटले प्रेशर, तो दबाण नो ऐसा एकदम शू पास्कल. सेकंड फोर्स, फोर्स आप सबको पता है न्यूटन भाई ने फाइंड किया था, तो उसका ऐसा यूनिट फ्रेंड्स क्या है? न्यूटन. सो सबसे पहले प्रेशर, उसके बाद क्या आएगा? फोर्स, उसके बाद क्या आएगा बताओ आप? फ्रीक्वेंसी, राइट? अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड जब भी कोई लाते हो तो उसमें लिखा होता है हर्ट्स या वॉट. तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, उसका ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्स. और दो रह गई, कौन कौन सी? याद करके मुझे बताओ. जब भी मैं रिविजन करवा रहा हूं, आप अपनी जो बुक में आपने लिखा है वो देखना है, तो आपको वो कोरिलेट थिंग होगी, ठीक है? कौन सा? एक था कौन सा? पावर, पी फॉर पावर. किसी को भी पावर में लाना हो, कोई भी पॉलिटिशियन को, नेता ने आपने सत्ता में लाऊं हो तो शू जोइए? व्हाट. तो पी फॉर पावर, और उसको पावर, पावर के लिए क्या चाहिए? व्हाट. सिंपल है, याद रखना. और लास्ट मेरा क्या था? वर्क, जिसको मैं क्या बोलूंगा? जूल, उसका ऐसा यूनिट है जूल. गुजराती में इन्हें शू कहवाय? कार्य. सरफेस टेंशन, राइट, एंड इंपल्स ऑफ फोर्स, ये दोनों अभी भी रह गए. सरफेस टेंशन का ऐसे यूनिट क्या था बताओ फटाक? सरफेस टेंशन यानी फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ, यानी फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या है? मीटर. न्यूटन अपॉन मीटर बराबर. पृष्ठदान नो ऐसा एकम, बढ़ना छेदमा लंबा एटले न्यूटन ना छेदमा मीटर. अने एट द लास्ट ઇમ્પલ્સ ઓફ ફોર્સ, બળનો આઘાત, જે મેં તમને ક્રિકેટર વાળું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે બોલને આપણે પાછો કેચ કરીને લઈ જઈએ તો શું થઈ જાય? વાગે નહીં એટલે આપણે હાથને શું લઈ જઈએ? પાછો. ફોર્સ ઇન્ટુ ટાઈમ, સો ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ. સિમ્પલ બરાબર, બળનો આઘાત ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ. આજ હમ વર્નિયર કેલિપર્સ દેખતે હૈ. યે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કી સબસે પહેલે મુજે જરૂરત ક્યું હૈ? વાય વી રિક્વાયર્ડ વર્નિયર કેલિપર્સ ઓર ઉસકે યુઝ ક્યા હૈ? આજ સિમ્પલ ઉસકા કન્સ્ટ્રક્શન દેખતે હૈ, બાદ મેં રીડિંગ કેસે લેના હૈ वो मैं आपको दिखाऊंगा. वर्नियर कैलिपर्स, ये सबसे पहले ये उसकी फिगर है. देखो इसमें चार पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में बहुत सारे दिए, बट अगर एग्जाम में आपको चार मार्क्स में बहुत ही मोस्ट एम्बिग्यूस क्वेश्चन आता है, अगर पूछते हैं तो ये परफेक्टली उसको रिप्रेजेंट करना है.
सबसे पहले जो आपने नॉर्मल स्केल देखी होगी राइट, नॉर्मल स्केल वैसे ही इसमें स्केल है 0 से 15 तक। यहां पे मैं आप जितनी आप प्लॉट कर सकते हो वो कर सकते हो, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। एक क्या हो गई मेन स्केल, जो नॉर्मल फुल पट्टी हो ना अपनी स्केल जेने अपने कही है ये भी एक स्केल हो 0 से 15 सेंटीमीटर सुधी राइट। दूसरी स्केल क्या होती है उसके ऊपर ऐसी अरेंजमेंट होती है दूसरी स्केल, ये जो नीचे वाली स्केल है राइट, देखो ध्यान से देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो नीचे वाली स्केल है जो जीरो से अगर आप डिवीजन गिनोगे कितने है 6 7 8 9 और 10, 10 डिवीजन है राइट। वो स्केल को हम क्या बोलेंगे वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल ये मेन स्केल के ऊपर कंप्लीटली मूव होती है। कैसे मूव होती है वो हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा राइट। तो वर्नियर स्केल इसको अगर मैं अपर साइड प्रेस करूं और धीरे धीरे इसको मैं क्या कर देता हूं मूव कर सकता हूं ठीक है। तो ए और बी ये ओपन होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनल जो अंदर ना जड़ भाई योग्य भाई गुजराती में, और ये होता है एक्सटर्नल जो सी और डी। अब आप बोलोगे कि ये सर कुछ पता नहीं चला क्या है इंटरनल जो एक्सटर्नल जो वो कुछ पता नहीं चला, कोई बात नहीं मैं आपको सी समझाता हूं। इसका सबसे पहले यूज क्या है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंड्स, यूज हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर्स की मुझे जरूरत क्यों है, क्यों मैं वर्नियर कैलिपर्स यूज करता हूं। तो मुझे आप इतना बताओ कि नॉर्मल स्केल उससे हम कितना मेजर कर सकते हैं, सबसे लिस्ट कितना मेजर कर सकते हैं। तुम्हारी जो फूल पट्टी हो बधाए फूल पट्टी हाथ में लई लीधी, हमें फूल पट्टी में मने एवं कहो तुम्हारी स्केल में एवं मने कहो ओछा में ओछू केटलू मेजर करी सके, नाना में नानू माप करो राइट। वर्नियर के आप स्केल में देख के मुझे बताओ, तो आप मुझे बताओगे कि सर ये स्केल है तो सबसे लिस्ट मेजरमेंट, सपोज मैं यहाँ पे ऐसा प्लॉट कर देता हूँ ये जीरो से लेके क्या स्केल होती है अप टू 15 सेंटीमीटर तक, तो सबसे लिस्ट मेजरमेंट यानी एक डिविजन एक काको एनु मूल्य कितलू जाए, तो आप मुझे बोलोगे कि सर 0.1 सेंटीमीटर या तो 1 mm, इससे लिस्ट में मेजर कर सकता नहीं। सिंपल ये बात समझ में आई सबको, स्केल से हम कितना मिनिमम मेजर कर सकते हैं अप टू 0.1 सेंटीमीटर, इससे लिस्ट हम मेजर कर सकते नहीं है। पक्की बात है कोई डाउट, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कभी भी मैं सारी की सारी क्वेरी आपकी सॉल्व करूंगा। चलो ठीक है, तो मैं स्केल से इतना ही मेजर कर सकता हूं, सबसे छोटा माप कौन सा ले सकता हूं स्केल से अप टू 0.1 सेंटीमीटर, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट की एक्यूरेसी है राइट। 0.25 एक आंकड़ा हो जाए, अगर मुझे उससे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए लाइक 0.01 सेंटीमीटर कुछ ऐसा चाहिए ठीक है, तो मुझे कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट है वो मुझे यूज करने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे हम 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्यूरेसी यानी पॉइंट के बाद कितनी एक्यूरेसी आ गई 2 digit की एक्यूरेसी हम मेजर कर सकते हैं। बेसिकली हम उसके लिए वर्नियर का यूज करते हैं। मैंने वर्नियर का आपको कंस्ट्रक्शन बताया, ये इंटर